तो दोस्तों फाइनली YouTube की तरफ से एक बहुत बड़ा मोनेटाइजेशन अपडेट आया है, जो अपडेट के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा इस अपडेट के बारे में तो आप लोग YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं कर पाओगे। दोस्तों YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए इस अपडेट को आपको जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस अपडेट क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों पहले जो YouTube चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए जो क्राइटेरिया था, शॉर्ट्स चैनल के लिए 10 मिलियन शॉर्ट्स चैनल में व्यूज होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। लॉन्ग चैनल के लिए 4000 आवर वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। उसका साथ और एक जो न्यू अपडेट ऐड किया दोस्तों, जो नहीं होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। पहले क्या होता था, इस जो आप 1000 सब्सक्राइबर 4000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट कर लोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा दोस्तों अभी, और स्टेप टू कंप्लीट करना था। अभी स्टेप थ्री में और एक न्यू अपडेट ऐड किया है दोस्तों, वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो इस अपडेट अगर आप वो स्टेप थ्री में जो ऐड किया अगर वो इनेबल नहीं करोगे तो दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो वो अपडेट क्या है, यूट्यूब की तरफ से कौन सा अपडेट आया है, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल में नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से यूट्यूब रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो आपको फास्ट मिलने के लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यूट्यूब जो नया अपडेट ऐड किया है, क्या नया अपडेट जो ऐड किया है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए। पहले जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए क्या क्या करना था मैं आपको बताया था, 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, सेकेंड में अब 4000 आवर वॉच टाइम, अगर 4000 आवर वॉच टाइम नहीं होगा तो 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज इतना होना चाहिए था। अभी प्लस में और एक ऐड किया है, जो क्या है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके लिए फास्ट आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मोबाइल पे। दोस्तों फास्ट में यूट्यूब स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लिया, आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ क्या सेटिंग है, क्या न्यू अपडेट जो ऐड किया है यूट्यूब मोनेटाइजेशन करने के लिए। तो फास्ट मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा जूम करने के बाद दोस्तों लेफ्ट साइड का नीचे सेटिंग का मार्क आएगा, सेटिंग का मार्क में क्लिक करना। फास्ट जनरल आएगा, सेकंड चैनल आएगा, चैनल में आने के बाद चैनल में क्लिक करना। चैनल में क्लिक करने के बाद बेसिक इन्फो, एडवांस फीचर्स एंड फीचर एलिजिबिलिटी, तो फीचर एलिजिबिलिटी आपको क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों इधर जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को लास्ट में जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड फीचर्स, ये चैनल ओपन करने के बाद अपने आप ऑन हो जाता है दोस्तों। तो सेकेंड जो ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन इंटरमीडिएट फीचर्स, इसको ऑन करने के लिए आपको YouTube चैनल के साथ मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ता है दोस्तों। YouTube चैनल का मोबाइल नंबर वेरीफाई करोगे तो दोस्तों ये ऑन हो जाता है। आपको YouTube चैनल के साथ मोबाइल नंबर वेरीफाई करना ही पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आपको थंबनेल लगाने के लिए, लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपको YouTube चैनल के साथ मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ता है। और एक 15 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के लिए आपको इसको ऑन करना, इनेबल करना पड़ता है। थर्ड में जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको ऑन करना होगा। ये आपका चैनल में ऑन नहीं रहेगा तो दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यही है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए, इसको आपको ऑन करना होगा। थर्ड में जो है आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए थर्ड में जो पॉइंट है, एडवांस फीचर्स को आपको ऑन करना होगा, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा दोस्तों। इसको ऑन करने के लिए क्या करना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों ऑन करना दोस्तों। अप्लाई कंटेंट आईडी क्लेम करने के लिए इसको ऑन करना था, उसके बाद डेली स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी इसको ऑन करना था, एंड डेली शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने के लिए, लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के लिए भी ऑन करना पड़ता था। अभी नेक्स्ट और एक ऐड किया दोस्तों, नीचे दिखा रहा है एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, इधर नीचे लिखा है दोस्तों, पूरा लास्ट में लिखा है एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। दोस्तों इसको इनेबल करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के लिए आप वीडियो वेरिफिकेशन से इनेबल कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो वेरिफिकेशन से, यानी आप इधर से वीडियो वेरिफिकेशन में क्लिक करोगे दोस्तों, आप थोड़ा आपका जीमेल में एक एसएमएस जाएगा, आप उधर से डायरेक्ट उधर क्लिक करके आपका फेस दिखाना होगा, फेस को थोड़ा उसका जो बताएगा उसके हिसाब से इसे रोटेट करना, ऊपर नीचे करना, तो इसका जो ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा। और सेकंड में क्या है, वैलिड आईडी, आप कोई भी आईडी प्रूफ से भी इसको इनेबल कर सकते हो। थर्ड में क्या है, चैनल हिस्ट्री में आप अगर आप करोगे तो दोस्तों 2 महीने तक टाइम लग जाता है दोस्तों। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन का जो 4000 घंटा वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर ही हो जाएगा, फिर भी 2 महीने तक टाइम लग जाता है दोस्तों। तो सिंपली प्रोसेस मैं जो आपको बताऊंगा, आप वीडियो वेरिफिकेशन से ऑन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं भी वीडियो वेरिफिकेशन से ऑन किया दोस्तों, ठीक है। अब वीडियो वेरिफिकेशन ऑन कर लोगे तो दोस्तों उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। वीडियो वेरिफिकेशन से आप इनेबल कर लोगे दोस्तों 24 आवर्स के बाद ये इनेबल हो जाएगा। ये इनेबल होने के बाद दोस्तों आप अपना यूट्यूब चैनल को 4000 घंटा वॉच टाइम प्लस 1000 सब्सक्राइबर शॉर्ट चैनल के लिए 10 मिलियन व्यूज, उसके बाद ए इसको कंप्लीट करने, इनेबल करने के बाद आप यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो में एक लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल ऑफ टेक केयर।